आज हमारा टॉपिक है इम्पेयर्स लॉ एंड डिटरमिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। इम्पेयर्स ने एक बात फाइंड की कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड पैदा हो जाती है। उसने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अपना एक लॉ पेश किया जिसे एम्पेयर सर्कुटल लॉ कहते हैं। एम्पेयर सर्कुटल लॉ के मुताबिक जो फील्ड होती है, ये मैंने पहले आपको बताया था कि जो फील्ड होती है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। कि किसी वायर में से जितना करंट फ्लो कर रहा है वो तो फील्ड की स्ट्रेंथ उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और एम्पेयर्स ने क्या कहा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर, और कंडक्टर से जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास जो बी है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके करंट के, करंट के क्या है बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो आपके पास यहाँ पर फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर बेटा हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं, जो चीज डायरेक्ट रिलेट कर रही है वो बटे के ऊपर और जो इनवर्स रिलेट कर रही है वो बटे के नीचे। B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट I ओवर R। ये जो कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है, इसको ऊपर कीजिएगा सर, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास म्यू नॉट ओवर टू पाई। ये जो म्यू नॉट है दैट इज परमेबिलिटी, वो एक आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था दैट इज परमिटिविटी, और ये क्या है परमेबिलिटी। तो यहाँ पर आप म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास आती है 4π × 10⁻¹⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। और अगर ये आपके पास 2πr डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, b मल्टीप्लाइड बाय 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर बेटा r जो है, r क्या है, r है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन अ सर्कल अराउंड द कंडक्टर ऑन विच द वैल्यू ऑफ b इज टू बी डिटरमाइंड। तो यहाँ आप देखें ये b है और ये इसका हमने एक लेंथ एलिमेंट लिया है, तो इस बी और लेंथ एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा ये किसके बराबर होगा, ये म्यू नॉट आई के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं इम्पेयर सर्कुलर लॉ। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम एन स्मॉल पैचेस के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और हर एक के क्रॉस हम जो है बी डेल्टा एल को फाइंड आउट कर लेते हैं। ऊपर कीजिएगा सर, अब देखिए ये जो लेंथ एलिमेंट हमने दिए हैं वो कौन कौन से हैं, डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री एंड अप टू डेल्टा एल एन। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपके पास ये जो लूप है इसको आप सिग्मा बी डेल्टा एल आर इज इक्वल टू फर्स्ट लूप फर्स्ट पैच प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस अप टू एन। तो यहाँ आप देखें कि आपके पास जो एंगल बन रहा है बी और डेल्टा एल ये पैरेलल है, इनके दरमियान एंगल जीरो बनेगा और कॉस जीरो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वन होगी। तो आपके पास ये जो सम आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, बी एल वन एल टू एल थ्री एंड अप टू सो ऑन, ये लेंथ ऑफ क्लोज सर्कुलर पाथ है ये किसके बराबर होती है, ये 2πr के बराबर होती है, ये टोटल एरिया है तो ये आपके पास 2πr के बराबर आ जाएगा। इनको कंपेयर करें तो बी डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी
एंड ये डेल्टा एल क्या है, ये लेंथ पाथ एलिमेंट है इनटू व्हिच कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इन, यहाँ जो करंट है म्यू नॉट टाइम्स ये प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। तो हम इसको स्टेटमेंट में किस तरह लिखेंगे सर, ऊपर कीजिएगा। अब हम इसकी क्या देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये है, इट कैन बी स्टेटेड दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पाथ लेंथ ऑफ एनी क्लोज पाथ अराउंड अ कंडक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड टोटल करंट इनक्लोज बाय द पाथ। या हम इसको यूं कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पाथ लेंथ ऑफ पाथ एलिमेंट इनटू व्हिच कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप। तो ये भी आपके पास इसकी स्टेटमेंट हो सकती है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि हमने एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करना है, कहाँ पर हमने अप्लाई करना है एम्पेयर्स लॉ को। एम्पेयर्स लॉ हम फाइंड करते हैं फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। अब सोलेनाइड आपके पास क्या होता है, सोलेनाइड इज अ लॉन्ग इंसुलेटिंग प्रॉपर वायर बाउंडेड क्लोजली ऑन अ सिलेंड्रिकल फ्रेम अब ऑफ सम नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। ये सोलेनाइड एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जो हम क्या करते हैं किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं, बाउंड कर देते हैं। अब इसकी फिगर देखें जरा ऊपर करें सर। ये देखें, ये आपके पास इसकी क्या है, सोलेनाइड की एक आपको वाइंडिंग दिखाई हुई है कि एक आपके पास कॉपर वायर है उसको आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास दो फील्ड बन रही हैं, एक इनटू द पेज और एक आउट टू द पेज। ये इनटू द पेज जो होती है ये डॉट क्रॉस होती है और आउट टू द पेज जो होती है ये डॉट होती है। डॉट जहाँ लगा हुआ है यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है ये एंटी क्लॉक वाइज होती है, और जहां पर क्रॉस लगा हुआ होता है यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, क्लॉक वाइज होती है। ऊपर एंटी क्लॉक वाइज होगी और नीचे क्लॉक वाइज होगी। तो इसका जो ये एलिमेंट है इसको मैं अलग कर लेता हूँ, सर इसको ऊपर करें और इसमें मैं फील्ड को फाइंड आउट कर लेता हूँ। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी कंसिडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ लें जिसको आपने ए बी सी डी ए से जाहिर किया है। तो आप इसके ऊपर आप इम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाएं तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, सिग्मा बी डेल्टा एल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पाथ एलिमेंट देख लें कितने हैं, चार हैं। तो यहाँ आप क्या पुट कर देंगे, एन की जगह के ऊपर लोअर लिमिट वन अपर लिमिट फोर। तो यहाँ आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बी डेल्टा एल वन प्लस बी डेल्टा एल टू प्लस बी डेल्टा एल थ्री प्लस बी डेल्टा एल फोर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्राइम। या फॉर एलिमेंट ए बी लेंथ एल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एल वन नीचे वाली जो आपको नजर आ रही है एल टू और एल थ्री के ऑपर, एल थ्री तो ये आउटसाइड सोलेनाइड है यहाँ पर भी जीरो होगी, और यहाँ ये आपको एल टू और एल फोर नजर आ रहा है। यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स है ये परपेंडिकुलर है, एंगल 90 बन रहा है। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू होगी बी डेल्टा एल की, बी डेल्टा एल कॉस 90 जीरो के बराबर होगा। तो आपके पास सिर्फ एक पाथ बचता है नीचे वाला एल वन, इसके ऊपर आपके पास जो फील्ड होगी वो क्या होगी, बी डेल्टा एल वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, बाकी सारे जीरो हैं, बी डेल्टा एल वन या बी एल वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है लेंथ वन के अंदर, एल वन आई करंट को क्या कह देते हैं, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ये आपके पास जो पाथ एल वन है इसमें फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ चार्ज एन एल आई पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर की जगह सर।
ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी बी डेल्टा एल वन प्लस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी एल वन इज इक्वल टू म्यू नॉट एल आई इन ऑर्डर टू फाइंड द करंट. अब हमने क्या करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द करंट इनक्लोज वी कंसीडर अ रेक्टेंगुलर सरफेस. अब इस इफ एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड देन द नंबर ऑफ टर्न्स. अब इसके अंदर आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, I किसके बराबर आ जाएगा, एन एल आई के बराबर हो जाएगा. एन एल एल यहाँ पर हम जो लेंथ देख रहे हैं वो एल वन को देख रहे हैं, एल वन से एल वन कैंसल हो जाएगा तो बी जो होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ये हमने क्या कैलकुलेट ऊपर कीजिएगा सर, ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये हमने जनाब फील्ड कैलकुलेट किया है. द डायरेक्शन ऑफ बी इन साइड ए सोलेनाइड इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल. अब सोलेनाइड को आप राइट हैंड रूल की तरफ रखें, जो आपकी कर्लिंग फिंगर होंगी इन डायरेक्शन ऑफ ये फील्ड होंगी और सॉरी इन डायरेक्शन ऑफ करंट होंगी, और जो थंब होगा दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अगर आप सोलेनाइड को अपने हैंड में पकड़ते हैं, कर्लिंग फिंगर किस चीज को डिस्क्राइब करेंगी, कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो थंब होगा दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये इसकी क्या है बेटा, एप्लीकेशन.